हेलो डियर स्टूडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में बच्चों ये क्लास फाइव का कंप्यूटर बुक है और ये चैप्टर टू है इस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बना होता है क्या चीज़ें इसमें वर्क करती है इसके बारे में दिया हुआ है इसमें बेसिकली इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है तो आइए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ देखते हैं मैं आप लोगों को पहले बता दूँ कि यहाँ पे वन बाय वन लाइन करके मैं पढ़ने रहा हूँ लेकिन फिर भी इस चैप्टर में बेसिकली जितनी भी बातें बतलाई गई है उसको मैं बतलाते जाऊँगा और अंत में इसका क्वेश्चन आंसर उसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को दे दूंगा तो यहाँ पर दिया हुआ है चिल्ड्रेन यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द डिफरेंट डेवलपमेंट एंड वर्किंग स्टेज ऑफ ए कंप्यूटर एंड ऑल्सो अबाउट सम डिवाइसेस दैट आर एसोसिएटेड विथ इट्स फंक्शनिंग कि बच्चों आप लोगों ने कंप्यूटर किस प्रकार से डेवलप किया किस प्रकार से अलग अलग कंप्यूटर बनते गया समय समय पे इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं इसके कई सारे डिवाइस के बारे में भी जान चुके हैं ये किस प्रकार से काम करता है तो इसके बारे में आप जान चुके हैं यहाँ पे एक इसका कंपोनेंट दिया हुआ है बेसिकली मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर दो मुख्य चीज़ों पर काम करता है डिपेंड करता है ये इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो हार्डवेयर क्या होते हैं फर्स्ट में यहाँ दिया हुआ है हार्डवेयर एक कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच हेल्प द सॉफ्टवेयर टू वर्क इन इट्स प्रोसेस कंप्यूटर एक अलग प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस है जो सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है ये सॉफ्टवेयर के द्वारा ये काम करता है द फिजिकल कॉम्पनेंट और द इक्विपमेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज नॉन एज हार्डवेयर ऐसी चीज़ें कंप्यूटर की फिजिकल मतलब जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं छू सकते हैं वैसी चीज़ें हार्डवेयर कहलाता है इसके जो मशीन्स होते हैं वो सारी चीज़ें हार्डवेयर कहलाता है एज यू नो दैट वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर प्लेस इन थ्री बेसिक स्टेज जैसे कि आप लोग जानते हैं कंप्यूटर तीन बेसिक स्टेज पे काम करता है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट जिसमें कि इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट है ये तीनों आधार पे ये काम करता है द टास्क ऑफ इच ऑफ दिस स्टेज इज़ अकॉम्प्लिस्ड विद द हेल्प ऑफ सम हार्डवेयर कॉम्पोनेंट ये जितनी भी चीज़ें काम करता है इसके अंदर तो वो किसी न किसी हार्डवेयर से मिलकर काम करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को तीन बेसिक चीज़ों में बाँट सकते हैं एक इनपुट हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया और आउटपुट डिवाइस हो गया इस तरह के हार्डवेयर में तीन चीज़ों को हम लोग डिफरेंट कर सकते हैं अलग अलग बांट सकते हैं यहाँ पर इनपुट में ये हो गया प्रोसेसिंग में सी पी यू रहता है और आउटपुट में ये मोनीटर है तो इनपुट में यहाँ पर दिया हुआ है और भी डिवाइसेस दिया हुआ है जैसे कीबोर्ड हो गया माउस हो गया उसके बाद लाइट पेन हो गया लाइट पेन इस तरह से एक बोर्ड बना हुआ रहता है आप उस पर लिखते हैं तो जो कुछ भी लिखते हैं वो कंप्यूटर में लिखाते जाता है उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस में सी हो गया यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दिया हुआ है जिसको हम लोग फुल फॉर्म में इसको बोलते हैं सबसे बेसिक वर्क जो होता है कंप्यूटर का सी ही करता है इट एक्ट्स एज द पथवे बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इसके द्वारा मतलब सी के द्वारा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों ही इसके साथ ही जुड़े रहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस के साथ इसके अंदर एक होता है जिसको बोलते हैं मदरबोर्ड तो मदरबोर्ड पे पर यहाँ पिक्चर दिया हुआ है ये सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसको मदरबोर्ड कहा जाता है और इसी में सारा मशीन लगा हुआ रहता है रैम रहता है यहाँ पे प्रोसेसर रहता है यहाँ पे बताया गया है तो इतनी सारी चीज़ें इसके बारे में हम हम लोग नहीं जानते हैं तो जो हार्डवेयर का पढ़ाई करता है तो वो सारी चीज़ें इसके बारे में जानता है जैसे कि यहाँ पे मदरबोर्ड के बारे में बताया जा रहा है इट इज़ द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट कंटेंट्स वेरियस सॉकेट्स एंड स्लॉट्स फॉर अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट कार्ड्स एंड डिवाइसेस लाइक प्रोसेसर डिस्प्ले कार्ड मॉडम रैम प्रिंटर्स ई टी मदरबोर्ड इस प्रकार का एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सभी प्रकार के सॉकेट और स्लॉट्स बने रहते हैं जितने भी दूसरे डिवाइसेस जो जुड़ते हैं इसके साथ तो सभी का स्लॉट बना रहता है जिसके द्वारा वे सारे इसके साथ जुड़ जाते हैं उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ पावर सप्लाई यूनिट किसके द्वारा इसको पावर सप्लाई मतलब बिजली दी जाती है दिस यूनिट कॉन्टेंस एस एम पी एस तो ये जो स्विच मोड होता है ये जो डब्बे जैसा दिखाई दे रहा है इसका नाम है एस एम पी एस तो एस एम पी एस का फुल फॉर्म होता है स्विच टू मोड़ पावर सप्लाई विच कोऑर्डिनेट्स द फ्लो ऑफ स्मूथ पावर सप्लाई इसके द्वारा जितना बिजली की आवश्यकता होती है उतना ही बिजली ये सप्लाई करता है मदरबोर्ड को और जिसको जिसको भी देना रहता है सभी को यहाँ से बिजली सप्लाई होता है एस एम पी एस को दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह डायरेक्ट बिजली सप्लाई नहीं दिया जाता है इसको बिजली दी जाती है यू पी एस के द्वारा और यू पी एस का यहाँ पर फुल फॉर्म नेम दिया हुआ है इंटरप्टेड पावर सप्लाई तो अक्सर बच्चों को याद नहीं रहता आप यहाँ से याद कर सकते हैं और मैन सर्किट एंड सप्लाईड द रिक्वायर्ड वोल्टेज टू द वेरियस पार्ट्स अटैच टू इट और जितने भी कंप्यूटर का अदर अदर पार्ट्स होता है तो उन सबको इसी से बिजली प्राप्त होता है फिर आगे हम लोग देखते हैं प्रोसेसर यहाँ पे देख रहे हैं प्रोसेसर इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस इन विच ऑल द कल्कुलेशन कंप्रीजंस इट इज सी आर डन प्रोसेसर एक इस तरह का डिवाइस होता है प्रोसेसर जो है ये मदरबोर्ड में ही लगा रहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है इसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता है तो जितने भी सी में कैलकुलेशन होता है कंपेरिजन होता है ये इसी के द्वारा होता है प्रोसेसर के द्वारा अगर प्रोसेसर ख़राब हो जाए तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा प्रोसेसर का एक स्पीड होता है जैसे कि यहाँ दिया हुआ है इट्स स्पीड इज मेजर्ड इन मेगा हट्स एंड गीगा हट्स इसके स्पीड को मापने का यूनिट है कि इस तरह से ये काम करता है और यहाँ पे दिया हुआ है द फर्स्ट प्रोसेसर फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसे कि 4004 थाउजेंड फोर वाज डेवलप्ड बाई इंटेल इन 1971 सबसे पहला प्रोसेसर बनाया गया था डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए जिसका नाम था 4004 वो भी उन्नीस ईस्वी में बनाया गया था और इंटेल कंपनी ने बनाया था आज भी इंटेल कंपनी प्रोसेसर ही बनाती है उसके बाद स्टोरेज डिवाइस यहाँ पे दिया हुआ है दिज आर द डिवाइसिस दैट हेल्प टू स्टोर डाटा ये सारे जितने भी स्टोरेज डिवाइस है ये डाटा को अपने अंदर स्टोर करके रखता है इसमें अलग अलग जगह मतलब इसका मेमोरी पावर जो होता है डिफरेंट होता है जैसे हार्ड डिस्क हो गया ये कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी लगा रहता है और इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं इसको हम इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हैं और सबसे ईजी होता है पेन ड्राइव जो कि ज़्यादातर लोग आदमी अपने पास रखता है और कोई भी डाटा हो तो उसमें डालकर कहीं दूसरी जगह ले जाता है उसके बाद दिया हुआ है मेमोरी डिवाइसेस तो मेमोरी डिवाइसेस यहाँ पे जो दिया हुआ है ये रैम और रोम जो है ये मदरबोर्ड में लगा रहता है अगर ये ना लगा हो तो फिर वर्क नहीं करेगा मतलब बोर्ड काम नहीं करेगा कंप्यूटर नहीं चलेगा तो रैम का फुल फॉर्म नेम है रैंडम एक्सेस मेमोरी आप लोग इसको याद रख सकते हैं इट स्टोर्स द डाटा टेम्प्ररली टिल ए कंप्यूटर इज़ ऑन जब तक कंप्यूटर चालू रहता है तब तक उसका मेमोरी जो है उसका डाटा जो है वो टेम्परली मतलब अस्थायी रूप से ये अपने अंदर सेव रखता है जैसे ही ऑफ होगा फिर उसका मेमोरी खत्म हो जाएगा रोम रीड ओनली मेमोरी इट स्टोर्स द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन परमानेंटली ये अपने अंदर परमानेंटली अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर रखता है इट ऑल्सो एक्सिक्यूट सीरीज ऑफ टास्क वैन द कंप्यूटर इज स्विच ऑन और ये जैसे ही कंप्यूटर हम ऑफ करते हैं और ऑफ़ करने के बाद फिर से ऑन करते हैं तो फिर हम जिस प्रकार से जिसको काम किए थे और जिसको हम सेव करके रखे थे वो सारा डाटा फिर हमें दिखाई देता है और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आउटपुट डिवाइसेस जो भी प्रोसेसिंग होता है और उसका रिजल्ट जो आता है तो इन सारे डिवाइसेस के द्वारा हम इसको देख पाते हैं दिज आर द डिवाइसेस दैट हेल्प टू डिस्प्ले द रिजल्ट इन डिवाइसेस के द्वारा हमें रिजल्ट जो है परिणाम दिखाई देते हैं थ्रू दिस यू कैन सी द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन आपको आवश्यक होता है मतलब जिसको आप इनपुट किए हैं उसका इन्फॉर्मेशन आपको इसके द्वारा मिलता है सम आउटपुट डिवाइसेस आर कुछ आउटपुट डिवाइसेस का एग्जाम्पल्स दिया हुआ है जैसे कि मोनिटर तो ऑलवेज रहता ही रहता है प्रिंटर लगा सकते हैं उसमें या नहीं भी लगा सकते हैं प्लोटर ये प्रिंटर का बड़ा भर्सन हो गया इस तरह से बड़ा पोस्टर इसमें छपता है तो उसको प्लोटर बोला जाता है इसके बाद हार्डवेयर के बाद यहाँ दिया हुआ है सॉफ्टवेयर क्योंकि सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर काम नहीं करता कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एंड वर्क ऑन इट्स अवन कंप्यूटर ना तो खुद सोच सकता है और ना ही खुद काम कर सकता है उसको हम जिस प्रकार से इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी तरह से वो वर्क करता है इट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड विद ए सेट ऑफ पेडिफाइन इंस्ट्रक्शन विच आर रिटेन इन ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक लोगो बेसिक सी सी प्लस प्लस ई टी सी कंप्यूटर में एक प्रकार का लैंग्वेज होता है जो उसका प्रोग्राम होता है जो लोग कंप्यूटर लैंग्वेज का बेसिकली ये सारी चीज़ें पढ़ाई करते हैं उसके पास इसका अच्छा नॉलेज रहता है जनरली जो पढ़ाई किए हैं कंप्यूटर के बारे में वो लोग नहीं जान सकते सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाई ए कंप्यूटर तो कंप्यूटर जो होता है इस लैंग्वेज जो इसको प्रोग्रामिंग दिया रहता है उसके द्वारा वो समझ पाता है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम जिस इंस्ट्रक्शन को जिस संकेत को वो समझते हैं उसको प्रोग्राम कहा जाता है उसके बाद सॉफ्टवेयर यहाँ दिया हुआ है जैसे कि सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट आर नीडेड फॉर एक्सक्यूशन ऑफ़ डिजायर वर्क सॉफ्टवेयर को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने के लिए जरूरी होता है सॉफ्टवेयर डज नॉट प्रोसेस एनी फिज़िकल आइडेंटिटी सॉफ्टवेयर का कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होता है उसको हम देख नहीं सकते हैं छू नहीं सकते हैं उस तरह से वो नहीं होता है वो सिर्फ़ एक प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर इज़ द एबस्ट्रक्ट पार्ट ऑफ़ ए कंप्यूटर सिस्टम विच रनस एंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक अबस्टक्ट पार्ट मतलब भावनात्मक भावनात्मक पार्ट होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है उसको फंक्शनिंग करता है उसको काम करने के लिए मदद करता है सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं एक जो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का ये फिगर बना हुआ है सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर ना तो फिर कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर इट इज़ ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम ये कंप्यूटर सिस्टम का आंतरिक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को चलने में मदद करता है जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एम एस विंडो एम एस विंडो जिसको हम लोग अभी कंप्यूटर में चलाते हैं जैसे विंडो सेवन हो गया तो एम एस विंडो ही है उसके बाद एम एस डॉस हो गया जो बहुत पहले पुराने ज़माने में चलता था लिनिक्स हो गया और कम्प्लेर हो गया और इंटरप्रेटर्स ई टी सी तो इस तरह के अलग अलग सिस्टम सॉफ्टवेयर आज के समय में चल रहा है जिसमें से ज़्यादातर लोग एम एस विंडो में ही काम करते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर जो होता है इसको किसी स्पेशल काम करने के लिए यूज़ किया जाता है जैसे यहाँ पे बताया गया इट इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम विच हेल्प्स इन परफॉर्मिंग सम स्पेसिफाइड जॉब मतलब स्पेशली किसी काम को करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है और बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में यूज़ करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ऐप्स जिसको हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं ऐप्स तो शॉर्ट में उसको ऐप्स बोला जाता है तो बहुत सारे ऐप्स हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं एग्जाम्पल वर्ड प्रोसेसर लाइक एम एस वर्ड राइटर वर्ड प्रोसेसर भी एक सॉफ्टवेयर है जिस प्रकार से एम एस वर्ड वर्क करता है राइटर वर्क करता है उसी तरह का वर्ड प्रोसेसर भी है प्रेजेंटेशन पैकेज लाइक पावर पॉइंट प्रजेंटेशन जैसे दिखाने के लिए जो कंपनी बड़े बड़े कंपनियों में उपयोग किया जाता है तो उसको पावर पॉइंट के द्वारा बनाया जाता है इम्प्रेस हो गया ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है टेली है रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर उसके बाद फी कलेक्शन सॉफ्टवेयर इस तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है तो यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो गया है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स तो आपको यहाँ पे पेंसिल से भरा हुआ है इसीलिए संभवतः आप लोग को दिखाई नहीं देगा हार्डवेयर है इनपुट दिया हुआ है रैम दिया हुआ है एप्लीकेशन फोर दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू में एक्सपेंड दिज एविविएसन्स रैम का फुल फॉर्म क्या होता है रोम एस और सी इसका फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री में राइट शॉर्ट नोट्स मतलब किसे कहते हैं प्रोसेसर किसे कहते हैं पीएस किसे कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है मदरबोर्ड क्या होता है इसके बारे में दिया हुआ है और इसके आगे और भी क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इसका उपयोग क्या? क्या है हार्डवेयर का हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क का उपयोग क्या है रोम रोम का उपयोग क्या है क्वेश्चन नंबर फाइव में राइट एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जाम्पल्स देने के लिए कह रहा है मेमोरी डिवाइस मेमोरी डिवाइस क्या क्या होता है उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग डिवाइस अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टोरेज डिवाइस इस तरह से सभी का कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स मांग रहा है यहाँ पे और क्वेश्चन नंबर सिक्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन इन दोनों के बीच अंतर बतलाना है जैसे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों में क्या अंतर है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस और आगे में दिया हुआ है रैम रोम और यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ है यहाँ से तो लिखना असंभव ही है तो मैं आप लोगों को आगे में आंसर अं बना के दे दूँगा ये क्वेश्चन नंबर एट दिया हुआ व्हाट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन और क्वेश्चन नंबर टेन इस प्रकार का क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं इसीलिए बना हुआ नहीं है हालांकि मैं इसका आंसर आगे मैं आप लोगों को दे दूंगा इतना ही इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आइए मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के देता हूँ है चैप्टर टू का क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर दिया गया है हार्डवेयर इनपुट रैम एप्लीकेशन फोर थाउजेंड फोर क्वेश्चन नंबर टू में एक्सपेंड एव्रिविएसन इसका फुल फॉर्म बतलाने के लिए कहा गया है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी रॉम रीड ओनली मेमोरी एस एम पी एस स्विस्ट मोड पावर सप्लाई सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क क्वेश्चन नंबर थ्री राइट शॉर्ट नोट्स ऑन यहाँ पे इसको डिफाइन करने के लिए कहा गया है प्रोसेसर इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस इन विच ऑल द कैलकुलेशंस कंपरिजन्स इट इज सी आर डन एस एम पी एस एस एम पी एस विच कोर्डीनेट्स द फ्लो ऑफ स्मूथ पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर सिस्टम स्टोरेज डिवाइसेज दिस आर द डिवाइसिस दैट हेल्प टू स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स फॉर फर्दर यूज एग्जाम्पल सी डी डी वी डी ई टी सी मदर बोर्ड इट इज़ द बेसिक सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट कॉन्टें वेरियस सॉकेट्स एंड स्लॉट्स वॉट इज़ द यूज ऑफ इसका क्या उपयोग है इट इज़ ए बेसिक स्टोरेज डिवाइस

स्टोरेज डिवाइस सी डी डी वी डी पेन ड्राइव डिफ्रेंशिएट बिटवीन इन दोनों के बीच अंतर बतलाने के लिए कहा गया है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ हार्डवेयर इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस द डिवाइस दैट हेल्प्स टू फीड डाटा इन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस द डिवाइस दैट हेल्प्स टू डिस्प्ले द रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस सी नंबर में रैम और रोम में अंतर बतलाने के लिए कहा गया है इट स्टोर्स द डाटा टेम्परली टिल ए कंप्यूटर इज ऑन रोम इट स्टोर्स द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन परमानेंटली क्वेश्चन नंबर सेवन वट डू यू मीन बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर इट इज़ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एग्जाम्पल एम एस विंडोज लिनिक्स इटी सी क्वेश्चन नंबर एट वाट इज एन अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम विच हेल्प्स इन परफॉर्मिंग सम स्पेसिफाइड जॉब्स एग्जाम्पल एम एस वर्ड पावर पॉइंट ई टी सी क्वेश्चन नंबर नाइन में लंबा सा क्वेश्चन दिया हुआ है इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है और इसमें पूछा गया है कि यहाँ पे बैनर्स और पोस्टर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा तो यहाँ पे इसका आंसर छोटा सा है आंसर में फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीन एंड प्लॉटर इसका यूज करना होगा तभी हम बैनर या पोस्टर बनवा सकते हैं क्वेश्चन नंबर टेन में देर आर टू फ्रेंड्स यहाँ पे दो दोस्त को दिखलाया गया है और एक लिस्ट दिया गया है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही मिला हुआ है एच डब्ल्यू मतलब हार्डवेयर हो गया और एस डब्लू मतलब सॉफ्टवेयर हो गया तो वहाँ से छाटना है जैसे कि एच डब्ल्यू हार्डवेयर इधर हो गया और एस डब्ल्यू सॉफ्टवेयर इधर हो गया तो हार्डवेयर में एस एस प्लोटर यहाँ पर टेली कंप्लायर और हार्डवेयर में और यहाँ पे दिया हुआ है मदरबोर्ड ब्लू रे रोम और सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसर तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो हेल्पफुल होता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए इसको सब्सक्राइब करके रखिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं